नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक से। उद्धव ठाकरे की चर्चा तो पुतिन, बाइडेन और चार्ल्स भी कर रहे हैं। संजय राउत का कथित भाषण हुआ वायरल। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ का बयान, उन्होंने 113 बार सुरक्षा नियम तोड़े। दलाई लामा की निगरानी करने चीन से आई महिला जासूस, बोधगया में भिक्षु बनकर घूम रही, स्केच जारी कर खोज रही है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। पुणे में 15 साल की लड़की की किडनैपिंग, फिर रेप, 6 महीने में कई बार रेप, अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया गया, 6 आरोपी अरेस्ट। फ्लाइट के अंदर यात्रियों के बीच मारपीट, बैंकॉक से भारत आ रहा था विमान, बहस से हाथापाई तक पहुंची बात। पहले गांबिया, अब उज्बेकिस्तान, जयराम रमेश बोले जानलेवा लगता है मेड इन इंडिया कफ सिरप। महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून बनाने की मांग तेज, बीजेपी विधायक नितेश राणे ने शिंदे फर्नांडिस से की है मुलाकात। जयराम रमेश के कफ सिरप वाले बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक, कहा पीएम मोदी से नफरत में अंधी हो गई है कांग्रेस। न्यू ईयर के जश्न पर बीजेपी ने निलंबित तेलंगाना के विधायक राजा सिंह का बयान, बोले हमारा कल्चर नहीं है ये। अमित शाह से मिलेंगे चिराग पासवान, कहा बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग। मिशन 2024 पर बीजेपी तमिलनाडु के बाद उड़ीसा पहुंचे पार्टी अध्यक्ष, कहा राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुने। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़, 8 की मौत, धक्का मुक्की में सीमेंट की रेलिंग टूटी, कई नहर में गिरे, 10 अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह ने अफसरों से कहा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। एनआईए का एक्शन, केरल में पीएफआई के नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी, 58 जगह चल रही है रेड। सीएम शिवराज के एक्शन के बीच कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा आरोप, अपराधियों अधिकारियों को किया जा रहा है प्रताड़ित। ब्रांड यूपी से दुनिया का परिचय कराएगा G20 सम्मेलन, पीएम मोदी सहित विदेशी मेहमान होंगे शामिल, डेलीगेट्स पर होगी पुष्प वर्षा। पिस्टल लहराने वाले युवक के खिलाफ जांच शुरू, एएमयू में पुलिस ने हॉस्टल और कैंपस में लखंगाले सीसीटीवी, वेक्टोरियल टीम से की बात। जानकीपुरम में सराफा को बदमाशों ने मारी गोली, सफेद कार में आए थे बदमाश, घर के गेट पर हमला हुआ, बैग से दुकान की चाबी गायब। मेरठ की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, सीटेक एग्जाम के दौरान 2 छात्र गुट भिड़े, कई राउंड गोली चलाकर भागे। गाजियाबाद में 3 दिन तक लाश की बेकदरी, होटल में हुई थी महिला की हत्या, पोस्टमार्टम करने में डॉक्टरों ने 60 घंटे दौड़ाया।
असीघाट पर पंडो और श्रद्धालुओं के चलते लाद घुसे, चंदन टीका के रेट पर पत्थरबाजी, आधा घंटे तक चलता रहा बवाल। आगरा में अर्जेंटीना का पर्यटक मिला कोरोना संक्रमित, ताजमहल देखने आया था पर्यटक, अब नहीं मिल रही है लोकेशन। गाजियाबाद में ठगी करने वाले महिला समेत 5 अरेस्ट, अधिकारी बनकर सस्ते लोन का झांसा देकर ऐंठते थे रकम। अलीगढ़ में कोहरे में हादसे रोकने की कोशिश, गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप, लोगों को जागरूक करने की भी अपील जारी है। गाजियाबाद में दरोगा ने कवित्री से किया है रेप, डीसीपी के पीआरओ का मुकदमा दर्ज, रेप पर अश्लील वीडियो बनाई और बाद में कराया गर्भपात। बरेली में गला घोटकर युवक की हत्या, गर्दन पर शर्ट के आस्तीन बंधी थी, 5 दिनों पहले जमानत पर छूट कर आया था, फिर लापता हो गया। फतेहपुर में ट्रैक्टर के नीचे दबकर महिला की मौत, खेत से लौटते वक्त आई चपेट में, ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीलीभीत में सभासद पर मुकदमा, आवाज दिलाने के नाम पर महिला से नैनीताल चलने को कहा, मना करने पर पीटा। ट्रांस यमुना की आयरन फैक्ट्री पर सीजीएसटी विभाग की छापेमारी, संचालक से आय व्यय का लिया गया ब्यौरा, टैक्स की हेराफेरी सामने आई। दोस्तपुर में 3 घरों से 1.25 करोड़ के जेवरात चोरी, छत के रास्ते घुसे थे 3 चोर, नकदी पर भी किया हाथ साफ। चंदौली में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से चोरी, पुलिस की गश्त पर लोगों ने उठाए सवाल, 125 बोरी सीमेंट के साथ अन्य सामान चोरी। फतेहपुर पुलिस लाइन में जवानों ने सिखा योगा, एसपी ने साफ सफाई पर दिया जोर, बोले कोविड गाइडलाइंस का करें पालन। हापुड़ में नए साल पर रहेगी अवैध सुरक्षा व्यवस्था, 10 सेक्टर में 1500 जवान रहेंगे निगरानी में, जिला 1 सुपर और 3 जोन में बंटा है। कोविड प्रोटोकॉल में होगा माघ मेला, प्रयागराज में 16 प्रवेश द्वार होंगे, थर्मल स्कैनिंग बनेगा हेल्प डेस्क। औरैया में दुष्कर्म व पास्को में फरार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा, घोषित था 5000 का इनाम। गाजियाबाद में फर्जी दस्तावेज पर 44 लाख लोन, आरोपी पैसा नहीं लौटाए, बैंक कर्मियों को जान से मारने की दी धमकी। कौशाम्बी में महिला को बैड टच करने वाला डीपीओ गिरफ्तार, डीएम की संस्तुति के बाद दर्ज हुआ केस, महिला सहकर्मी से कराता था छेड़छाड़। जलौन में प्राचीन मंदिर से अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी, चोरों ने पुजारी को नशीला पदार्थ सुंघाकर की वारदात, पुलिस कर रही है जांच। बंधक बनाकर नौकरानी को पीटने वाली महिला वकील गिरफ्तार, लिफ्ट में मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल, मुकदमा दर्ज होने के बाद थी फरार। खुद को एआईएस बताने वाले व्यक्ति ने दी है जान, इटावा में फंदे से लटकता मिला व्यक्ति का शव, किराए के मकान में रहता था। अलीगढ़ में आरटीओ परिवर्तन के ड्राइवर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है, ड्राइवर के खिलाफ नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई।
गाजियाबाद के एलिवेटेड में कार के बोनट पर बैठे व्यक्ति द्वारा खुले में हुक्का पीने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो नंदग्राम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर में दबंग मेडिकल स्टोर संचालक ने मामूली विवाद में जमकर की है मारपीट, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लखीमपुर खीरी पुलिस ने लूट की घटना का किया है खुलासा, लूट में मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात में आवारा जानवरों से परेशान किसानों का अनोखा प्रदर्शन, पीड़ित किसान ने हाई टेंशन टावर पर बनाया अपना आशियाना। उत्तराखंड के देहरादून में बिना कामकाज का कार्यालय, 2013 से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं, सालाना खर्च 2 करोड़। उत्तराखंड में बनवसा पुलिस ने 4 किलो चरस के साथ 2 नेपाली महिलाओं को किया है गिरफ्तार, एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में चीनी सीमा से सटे गांव में जमे प्राकृतिक जल स्रोत, तापमान -13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। उत्तराखंड के शीतलहर की चपेट में धर्मनगरी हरिद्वार, कई शहरों में माइनस में पहुंचा पारा। कड़ाके की सर्दी में बेघरों को सहारा देगा उत्तराखंड परिवहन निगम, मोबाइल रैन बसेरों में बदलेगी रोडवेज बसें। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज, सीएम धामी और खेल मंत्री ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में नए साल में मंत्रियों आईएएस और सीएम का टास्क, विकास की नब्ज टटोलने ब्लॉकों में करेंगे रात्रि प्रवास। देहरादून के एफआरआई में बच्चों के साथ घूम रही है मादा गुलदार, 15 जनवरी तक लोगों की आवाजाही पर रोक। पुरोला धर्मांतरण मामले में एडीजी बी मुरुगेशन ने उत्तरकाशी में डाला है डेरा, लोगों से मुलाकात कर लेंगे जानकारी। उत्तराखंड में उद्योगों को मिल सकती है राहत, ईपीआर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता जल्द होगी खत्म, बनी सहमति। उत्तराखंड में पैसे लेकर विदेशी नागरिकों को बना रहे गढ़वाली, आधार सेंटर पर चल रहे खेल का पर्दाफाश। कोरोना को लेकर उत्तराखंड प्रशासन सख्त, स्कूलों में छात्र छात्राओं और शिक्षक कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस सिंधु, नदियों के किनारे प्रतिबंधित क्षेत्र में पुराना निर्माण हटाने के निर्देश, ड्रोन से होगी निगरानी। उत्तराखंड में सर्दियों का शहर, पहाड़ से मैदान तक कोहरा, पड़ रही हाड़ गलाने वाली ठंड, हरिद्वार में -6 डिग्री पारा। उत्तराखंड में राइस मिल में बदमाशों का तांडव, चौकीदार पर वार कर दिया, अधमरा कर पैसे लूट कर हुए फरार। चीन में बिस पर टकराई 200 गाड़ियां, एक ही मौत, कोहरे से 200 मीटर तक घट गई थी विजिबिलिटी। जम गया निगाग्रा फॉल, विश्व के सबसे ऊंचे झरने पर नजर आई बर्फ की परत, 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए।
दुनिया भर में कोरोना फैलाएगा चीन, इटली पहुंचे दो विमानों में हुई जांच, 50% से ज्यादा यात्री संक्रमित मिले। तालिबान पर आग बबूला हुआ अमेरिका, कहा एनजीओ में कार्यरत महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना खतरनाक आदेश, जल्द वापस लें। भारत बना वैश्विक दक्षिण की आवाज, रुचिका कंबोज बोली हम बहुपक्षवाद और यूएन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। उज्बेकिस्तान का दावा भारतीय कफ सिरप पीने से गई है 18 बच्चों की जान, डब्ल्यूएचओ ने कहा जांच में करेंगे सहयोग। अमेरिका के बर्फीले तूफान में जमा नियाग्रा फॉल, तापमान 0 डिग्री से कम, दुनिया के सबसे ऊंचे झरने पर बर्फ बनी है पानी की चादर। अमेरिका में प्रवासियों की एंट्री पर रोक जारी रहेगी, राज्य बोले बैन हटाओ तो प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी, बॉर्डर पर बैठे लोगों को एंट्री नहीं। पूर्व पोप बेनेडिक्ट की हालत गंभीर, पोप फ्रांसिस ने कहा कि उनकी सेहत लगातार गिर रही है, दुआ करें। कंबोडिया के होटल में लगी आग, 10 की मौत, 50 से ज्यादा अभी भी फंसे, खिड़की से कूदकर जान बचाते दिखे लोग। कई देशों में ट्विटर सर्वर डाउन, लॉग इन नहीं कर पाए यूजर्स, दिसंबर में दूसरी बार ये समस्या आई। इकोनॉमी से लेकर आरोप पर अडवाणी, बोले मैं और मोदी एक राज्य के से, इसलिए सवाल उठाना आसान। जियो ने 11 शहरों में लॉन्च किया ट्रू 5G सर्विस, लखनऊ मैसूर जैसे शहर शामिल हुए, फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। दो साल के निचले स्तर पर टेस्ला के शेयर, रिकॉर्ड उच्च स्तर से 73% टूटा, मास्क की नेटवर्थ घटकर 137.6 अरब डॉलर पर आई। टोक्यो इनोवा हाई क्रॉस भारत में लॉन्च, MVP में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ मिलेगा। गरीबी के दौर से बाहर निकलने के लिए तैयार देश, मुकेश अंबानी बोले 2047 तक $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी भारत। विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के लिए PLI की तैयारी, ताइवान कोरिया कंपनियों को भारत लाने पर जोर। RBI की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य आशिमा गोयल का बयान, बोली बजट में सख्त कदम उठाने से बचें। २०२३ के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी, सरकार की उपलब्धियों पर आधारित है थीम। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में 20 वर्षों में 20 गुना बड़ा मुनाफा, बाजार पूंजीकरण में 42 गुना का इजाफा। PCB के बर्खास्त चेयरमैन रमीज राजा की बौखलाहट, बोले पाकिस्तान आगे निकल गया, यह भारत से बर्दाश्त नहीं हुआ। बॉक्सिंग डे टेस्ट गवाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में और पिछली दक्षिण अफ्रीका, टीम इंडिया का दावा हुआ मजबूत। भारत पाकिस्तान के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है टेस्ट मैच, मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने मेजबानी के लिए दिखाई दिलचस्पी।
शिखा पांडे ने 17 महीने बाद टीम इंडिया में की है वापसी। महिला टी20 विश्व कप 2023 के लिए मिला मौका। आईसीसी नियमों के खिलाफ कप्तान के बदले मोहम्मद रिजवान ने लिया रिव्यू। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। भारत दौरे के लिए 20 प्लेयर्स की श्रीलंका टीम जारी। अनुभवी दिनेश चांदीमल बाहर। टी20 विमेंस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया घोषित। हरप्रीत कप्तान, पूजा वस्त्राकर की वापसी। भारत का पहला मैच 12 फरवरी को पाक से। पाकिस्तान के मैच में दर्शक ही नहीं, अब मुफ्त में टेस्ट दिखाएगा पाकिस्तान बोर्ड। इकतालीस मैच के बाद विलियमसन का इंटरनेशनल शतक। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड 2 रन से आगे। अर्शदीप आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेटेड। अर्श के साथ जद रान के भी नाम। स्पाइडर मैन को बनाने वाले स्टेनली पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री। 100वें जन्मदिन पर मॉयक्स ने रिलीज किया टीजर। तुनिशा शर्मा सुसाइड पर कंगना रेनॉट ने किया है रिएक्ट। बोली, महिलाओं का शोषण करना मर्डर के समान है, ऐसे लोगों को तुरंत सजाए मौत देनी चाहिए। शाहरुख खान की फिल्म पठान में बदलाव के सुझाव। सेंसर बोर्ड ने मेकर्स से रिवाइज कॉपी मांगी। बेशर्म गाने पर लगा है विवाद। शादी की खबरों के बीच एक साथ दिखे आथिया राहुल। देर रात मुंबई के एक 5-स्टार होटल में स्पॉट हुए। राजस्थान में छुट्टियां मना रहे हैं विक्की कैटरीना। नेचर के बीच जंगल के नजारों का उठा रही हैं लुत्फ। तुनिशा ने सिजान से बातचीत के बाद लगाई थी फांसी। पुलिस बोली, सिजान ने सीक्रेट गर्लफ्रेंड की चैट डिलीट की, वो भी टीवी एक्टर है। बीमारी से जूझ रहे हैं भाभी जी के फेस ईश्वर ठाकुर। बोले, डॉक्टर को दिखाने के पैसे तक नहीं बचे हैं, अब मौत ज्यादा बेहतर लगती है। पापा राजकुमार संतोषी की फिल्म में डेब्यू करेंगी तनिषा। गांधी गोडसे में आएगी नजर। फिल्म पठान के साथ बॉक्स ऑफिस पर होगा मुकाबला। युवा क्लास के बाहर नजर आई मलाइका अरोड़ा। ब्लैक जिम आउटफिट में दिखी खूबसूरत। एक्टर ने टाइगर की पूंछ पकड़कर शेयर किया वीडियो। सोते हुए टाइगर के साथ बुरा बर्ताव देख भड़के यूजर्स, लगाई क्लास। फिलहाल प्राइम शतक में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।